कि अगर अभी हम बीजेपी जाते हैं, बीजेपी वाला ऐसे मुझे ले लेते हैं, बट हम राहुल जी से इंस्पायर हैं और हम कांग्रेस के सिवा कहीं नहीं जा सकते। चिराग पासवान को कैसे मानते हैं लीडर? पहले चाचा भतीजा संभल लें, लड़ लें, उसके बाद देखा जाएगा। जाइए, बढ़िया 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। मैं अभी सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तेज तरार अधिकारी हैं, जो बीआरएस लेकर कांग्रेस का दामन थामे हैं। आखिर कांग्रेस ही क्यों? इस देश में सबसे सेकुलर पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ही से ही इस देश का कल्याण हो सकता है। बस आप सरकारी सेवक थे, क्या करना चाहते? मैं राहुल गांधी जैसे 4000 किलोमीटर से अधिक यात्रा तय किए, मैं भी बिहार के गांव-गांव घूमूंगा और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूं। मैं यहां के गांव घूमूंगा और मैं भी पैदल यात्रा करूंगा अपने पूरे बिहार में। आप सरकारी सेवक थे, क्या नहीं कर पाए जो आगे करें? लोगों की सेवा नहीं कर पाए बिहार में, अपने प्रदेश में सेवा नहीं कर पाए। अब मौका मिला है सेवा करने का। चुनाव भी लड़ना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। आखिर राहुल को ही क्यों चुने? बीजेपी भी जा सकते थे आप। वही तो आप लोग सोचिए ना कि अगर अभी हम बीजेपी जाते हैं, बीजेपी वाला ऐसे मुझे ले लेते हैं, बट हम राहुल जी से इंस्पायर हैं और हम कांग्रेस के सिवा कहीं नहीं जा सकते। आप एक पासवान जाति का बड़ा नेता हैं, कांग्रेस के साथ पासवान जाति भी वोट बैंक बन चुका है। पासवान है बिहार में, पासवान के नेता पासवान जाति से आप आते हैं। रामविलास पासवान पासवान के लीडर थे। चिराग पासवान को कैसे मानते हैं लीडर? पहले चाचा भतीजा संभल लें, लड़ लें, उसके बाद देखा जाएगा ना। पहले चाचा भतीजा की लड़ाई पूरा कर लें, फिर वापस आए। लोकतंत्र का आपको स्थापित किया, सेकुलर समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, उस पार्टी से जुड़कर कभी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। हम तो सरकारी सेवा में थे कुछ महीना पहले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सड़कों पर उतरे राहुल गांधी जी को यात्रा के दौरान लोगों का इतना प्यार मिलेगा। तमाम बाधाओं के बाद भी यह यात्रा चलती रही और सुखद परिणाम के साथ यात्रा पूरी हो गई। इसी यात्रा ने हमें प्रेरणा दी है। मन में बार बार एक ही बात आती थी कि जब एक बड़ा नेता 4000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा कर इतना बड़ा जन सैलाब खड़ा कर सकता है, तो हम उनका सहयोग क्यों नहीं दे सकते हैं। राहुल जी ने यह यात्रा देश को समझने, लोगों के हालात को जानने, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए किया था। कई दिनों तक हम सोचते रहे कि आखिर हम उनका साथ क्यों नहीं दे सकते हैं। फिर हमने बहुत कुछ सोचा और फिर मन बना लिया कि हम कांग्रेस से जुड़े हैं और देश की इस सबसे पुरानी आदर्श पार्टी की सेवा करेंगे। आज पार्टी ने हमें यह अवसर भी दे दिया है, हम इसके लिए दिल से आभारी हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने हमें अपनाया है और बिहार में काम करने का अवसर दिया है। हमें अपार खुशी हो रही है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे एक महान विरासत वाली पार्टी के सामाजिक राजनीतिक जीवन को बिहार में मजबूत करे और बिहार की जनता की सेवा करे। कांग्रेस को एक साल पर वृक्ष है। इस पार्टी को सींचने में न जाने कितने महान नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है।
जिस कुर्बानी को याद करते हुए पार्टी के मूल दर्शन गरीबों की सेवा सेक्युलर समाज के निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे, यही हमारा संकल्प है। इस पार्टी का अपना इतिहास रहा है, समाज निर्माण और भाईचारे के लिए पार्टी ने कई महान नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है। आज़ादी के तुरंत बाद महात्मा गांधी की कुर्बानी को भला कौन भूल सकता है। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री